आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहां याज्ञवल्य नाम के एक मुनि रहते थे। मुनि एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया आकर गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते में रखा और फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी भी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में उसे ले आया। मुनि ने अपनी पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए कहा, प्रिय, इसे अपनी लड़की की तरह ही पालना। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि की पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 18 वर्षों तक वह उसके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, हमारी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी सूरज को बुलाकर इसे उसका हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। पुत्री ने उत्तर दिया, तात, यह तो आग की तरह गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं है, इससे अच्छा किसी और वर को बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बताए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छा मेघ है जो मुझे ढककर छिपा लेता है। मुनि ने मेघ को बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, ये तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाइए। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी तो वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, ये तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी सी बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, तात, ये तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक कोई अच्छा वर बुलाइए। मुनि ने पर्वत से कहा कि आप कोई अच्छा वर सोचाइए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा तो चूहा है, वह मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषक राज है, अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो तुम उनसे विवाह कर सकती हो। कन्या ने मूषक राज को बड़े ही ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण सा अपनापन महसूस हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज के हाथ में सौंप दीजिए। तब मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी चूहिया का स्वयंवर।